एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ वो कोई ड्रीम बाजार के ऊपर वीडियो है। लिंक और टाइटल एज यूजुअल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं आज की वीडियो। लूटमार की तरफ लोग उतर आए हैं, क्या वजह समझते हैं? कराची में एक वाकया पेश आया, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है, आपने देखा होगा, पूरी मार्केट को लूट लिया लोगों ने। मुझे बताएं सबसे पहले, जो इस टाइम पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, बर्दाश्त में है या बर्दाश्त से बाहर है? एक तो सर चीज होती है बर्दाश्त से बाहर, ठीक है, वो डबल ट्रिपल कर रहे बाहर हो गई है कि अब तो एंड है, एंड हो गया। अच्छा, ये आपने जो सब्जी पकड़ी है, भिंडियां पकड़ी है, ये कितने रुपए किलो ली है? ये 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। खबर ये है कि कराची में अब बकायदा एक मॉल था ड्रीम मॉल के नाम से, ओपनिंग हुई ड्रीम बाजार के नाम से, आम पब्लिक घुसी है लूटमार करके, वो चीजें सारी लूटमार करके ले गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये सिचुएशन आ गई है। ये कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह जिस तरह ये हमारी गवर्नमेंट हमें करती है ना सिस्टम परेशान, अब इधर भी होगा। नहीं इंशाल्लाह तो आगे, मैं क्यों डरूं भाई, होगा इंशाल्लाह, इधर भी होगा। यानी जो कराची में सूरत हाल हुई है वो लाहौर में भी होगी? लाहौर में होगी। और दूसरे नंबर पे जो मैंने गलती की है ना मियां साहब को वोट दे के, अच्छा, इंशाल्लाह मैं दोबारा नहीं करूँगा। यानी इस गवर्नमेंट को दोबारा वोट नहीं? ना, ना 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 दिया वोट मैंने। अच्छा, ये रीजन क्या? ये तो देखे ना, महंगाई जितनी भी हो जाए इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम चोरियों पे डाकुओं पे उतर आए या लूटमार पे उतर आए। फिर पेट किस तरह पालेंगे? मेरे पास काम नहीं है तो मेरे बच्चे भूखे, तो भाई मैं फिर डाका ही डालूंगा, चोरियां करूंगा और क्या करूंगा। ठीक है, और हम देखते हैं ये तो अभी कराची में जो ड्रीम बाजार के नाम से जो वाकया पेश आया है, कभी रोड पे चलते कोई कंटेनर उलट जाता है अगर पेट्रोल का, ऑयल का, उसमें से सारा ऑयल निकाल लिया जाता है, अगर कोई गाड़ी जिसमें कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो गिर जाती हैं, उससे सारी गाड़ी लूट ली जाती है। ये सूरत हाल आम एक सिविलाइज सोसाइटी में होती है, एक मुहज्जब सोसाइटी में? ठीक है। अच्छा, ये जो आम आवाम है आपको नहीं लगता कि गुरबत से परेशान है और ये कल को ये सिचुएशन हमें और बढ़ती नजर आएगी? आप जो यंग लड़के हैं ना, मजबूरी के तहत तौर ये कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई शौक से कोई बंदा लूटमार नहीं करता जरा, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, जब पेट में नहीं होगा कुछ जाहिर है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह इधर होगा। चले, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह इधर ऐसा ना हो, बेहतरी हो, लूटमार की किस तरह होगी भाई, किस तरह होगी? गवर्नमेंट करेगी, मैं और आप मिलके, पब्लिक मिलके करेंगे। कपड़े उतार रही है बिलों में, टैक्सों में, पता नहीं क्या क्या। अब इस माह मुझे 27,000 बिल दिया मैंने, 27,000 रुपया। मरियम नमाज अगर सुन रही है ना तो अल्लाह माफ करे यार, जो मैंने गलती की है ना दोबारा नहीं मिलती। ठीक है, तो आइंदा किसे वोट देंगे आपके ख्याल से? मतलब आइंदा जो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा इमरान खान को दूंगा, जो अच्छा होगा उसको दूंगा। चले ठीक है, आए मजीद किसी से बात करते हैं जी, अगर कोई बात करना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। महंगाई बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लूटमार पे मजबूर हो गए हैं, क्या लूटमार करनी चाहिए इतनी महंगाई? लूटमार नहीं करनी चाहिए, लेकिन कराची में ये जो वाकया पेश आया है, एक पूरी मार्केट को लूट लिया लोगों ने, ये है बस, उधर डिस्काउंट लगा था, ऐसे ही सारे कपड़े उठाए, खाने पीने की चीजें उठाई, क्या वजह इसकी? उधर वैसे माहौल ही ऐसा, शुरू स्टार्टिंग से माहौल ऐसा, कराची में शुरू से ही ऐसा ही माहौल। लाहौर में भी तो अक्सर हम देखते हैं, पंजाब में देखते हैं कि जब कोई पेट्रोल की गाड़ी उलट जाती है तो उधर सारा पेट्रोल लोग बाल्टियों में भर भर के लेके जा रहे हैं। गांव में चलो जा रहे हैं, जो मर्जी उठा काम करना चाहता, काम तो करना कौन है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आपका नाम? बिलाल। क्या करते हैं बिलाल साहब? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, महंगाई बर्दाश्त में है? महंगाई बर्दाश्त से बाहर हुई हुई। ठीक है, तो लूटमार की तरफ लोग उतर आए हैं, क्या वजह समझते हैं? कराची में एक वाकया पेश आया, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है, आपने देखा होगा, पूरी मार्केट को लूट लिया लोगों ने, कि भाई इसकी वजह महंगाई है और कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो ये महंगाई को चाहिए कि अपने जो इन्होंने लड़ाइयाँ लगी हुई है 5 साल से, वो अपनी हुकूमत की लड़ाई, हाँ जी हुकूमत के, वो पीडीए कहते वो चोर है, नवाज शरीफ कहता वो चोर है, दरदारी कहता वो चोर है, चोर पब्लिक को बना दिया है, जो इस समय सूरत हाल है, चोर तो पब्लिक बन गई, पब्लिक चोर बन गई है और ये सुकून से बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये बेहतर कैसे होगा? अब इन्होंने खुद ही करना है, ये लड़ाइयाँ छोड़े, मुल्क के बारे में सोचे और इसका कोई हल नहीं है। नहीं तो ये आम पब्लिक की सूरत हाल में क्या सोच रखती है? मैं कहता हूँ लोग डर के मारे या पता नहीं क्या वजह बोल ही नहीं पाते। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इंतहाई एक यही बोलूंगी कि एक अफसोसनाक, एक टेरिबल टाइप की सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान जो है ना वो धंसता चला जा रहा है। मतलब वो कहते हैं ना एक दलदल सी है जिसमें आप
धंसते चले जाते हो, आपको खुद नहीं मालूम होता कि आप कहाँ जा रहे हो। ऊपर से तो आपको वो बिल्कुल प्लेन नजर आती है, लेकिन जब आप उसके अंदर पांव रखते हो तो आप उसके अंदर ही गिरते 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 ही चले जाते हो। तो इसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो है ना इन दिनों में एक टाइप का फंसा हुआ है, और निकलेगा कभी कोई कुछ नहीं कह सकता। वाकई इस टाइप की सिचुएशन होगी भी है महंगाई की वजह से। मैं इनकी बात से भी अग्री करती हूँ कि जब महंगाई होगी, लोगों के पास कमाने के कोई तरीके नहीं होंगे, रोजगार नहीं होगा उनके पास, अर्निंग के कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो वो बेचारे फिर क्या करेंगे, वो मजबूर हो जाएंगे ये काम करने को। लेकिन फिर मैं ये भी कहूंगी कि ये जो चोरी, हालांकि हमारे मजहब में इस चीज को सख्ती से मना किया गया, और ये भी है कि इस्लाम में कि जो चोरी करे उसके हाथ काट दो, और सऊदी अरब वाली साइड पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, अभी नहीं किया जाता है या नहीं आई डोंट नो, बट किया जाता था। फिर ये कि इस्लामी मुल्क होने के बावजूद क्या हम अपने इस्लामिक जो मोरालिटीज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, उनको क्या हम फॉलो नहीं करते, तो फिर काहे का ये इस्लामी मुल्क है। अगर इस्लामी मुल्क में इस तरह के काम हो रहे हैं तो फिर मतलब हम दूसरों को क्या ही ब्लेम कर सकते हैं, या हम अपनी एग्जाम्पल क्या ही दूसरों को दिखा सकते हैं कि हम एक पीसफुल कम्युनिटी हैं, हम एक पीसफुल रिलीजन के मानने वाले हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये महंगाई की वजह से इनकी बात किसी हद तक ठीक भी है कि जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो फिर वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। लेकिन एक और भाई साहब ने बात की थी कि कराची में ये सिचुएशन चलती रहती है, ऐसे वाकयात होते रहते हैं, तो इससे भी मैं अग्री करती हूँ कि कराची जो है ना इस किस्म के वाकयात के लिए मशहूर है। वहाँ पर दिन दहाड़े आप मतलब बाइक लेकर या गाड़ी लेकर आप एक सुनसान सड़क पर नहीं जा सकते, आपको लूट लेंगे। मोबाइल वहां पर स्नैचिंग एक आम सी चीज है, आप वहां पर जो है ना वो महंगा मोबाइल हाथ में पकड़ के नहीं जा सकते, इस टाइप की सिचुएशन है। हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची और फाइनेंशियल कैपिटल भी है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि इंडिया में मुंबई सिटी आप उसको ड्रीम सिटी कह सकते हो, तो यहाँ पर भी लोग अपने वो कहते हैं ना जॉब्स की तलाश के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग कराची, चलो जी कराची का रुख करते हैं, जो भी जिस काम के लिए भी आपने का रुख करना है चलो जी कराची चलते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन अब कराची जाने से मुझे लगता है कि लोग डरने लगेंगे और ये कहेंगे नहीं भाई कराची नहीं जाना, जो भी हो किसी और शहर चले जाएंगे लेकिन कराची नहीं जाएंगे, क्योंकि जॉब्स वहाँ पर भी नहीं होंगी, और इस किस्म के सिचुएशंस और इस किस्म के मामलात देखकर लोग वैसे ही कहेंगे कि नहीं भाई हमने नहीं जाना। तो वाकई इंतहाई अफसोसनाक एक वाकया है। अगर आपने लोगों को फायदा देने के लिए कुछ ऐसा ड्रीम बाजार के नाम पर कुछ, शायद वहां पर थोड़ी सस्ती चीजें हों, अगर आपने वहां सेल टाइप या ऐसी लगा ही दी है, या एक इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, और जिस बेचारे ने इन्वेस्टमेंट की होगी पता नहीं कितने सालों की उसकी इन्वेस्टमेंट होगी जो उसने यहाँ पर लगा दी, वो बेचारा क्या करेगा, कोई उसकी जो है ना सुनवाई नहीं होगी, ना कोई उसका जो ये लॉस है उसको पूरा करने वाला होगा, लेकिन एक दिन दिहाड़े उसको लूट कर तो ये जा वो जा। तो अब बेचारे लोग बिजनेस करने से भी घबराते होंगे इस वाकये के बाद कि यार अब हमने अपना सरमाया लगाना है, लेकिन हमें जो है ना वो कोई श्योरिटी नहीं है कि हम जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो गाइस ये था मेरा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, अब तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह।